कांग्रेस के बब्बर शेर इमरान प्रताप गढ़ी का बड़ा बयान आया सामने, भाजपा हुई गुस्से से लाल पीले। जी हां, आपको बताया चले कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने रविवार को यहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को केवल कांग्रेस ही परास्त कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के तहत संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस प्रदेश इकाई प्रमुख नाना पटोल और मंत्री एवं मुंबई विधायक असलम शेख की मौजूदगी में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के एक बयान में प्रताप गढ़ी के हवाले से कहा गया कि हमारे सामने देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन ऐसी ताकतों को हराने के लिए ताकत केवल कांग्रेस में ही है, इसलिए सभी को कांग्रेस के झंडे के नीचे एक साथ आना चाहिए। इमरान प्रताप गढ़ी ने किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि कर्नाटक के एक भाजपा मंत्री ने तिरंगे को बदलने के बारे में बात की है और देश में इसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा गया। उन्होंने दावा किया है कि यह बहुत ही खतरनाक है। इमरान प्रताप गढ़ी का इशारा प्रत्यक्ष तौर पर कर्नाटक के मंत्री के एस ईश्वरप्पा के 9 फरवरी के उस दावे की ओर था कि भविष्य में भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। कर्नाटक के मंत्री ने हालांकि यह भी कहा था कि तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है और इसका भी सम्मान करना चाहिए। बयान के अनुसार प्रताप गढ़ी ने कहा कि देश को बचाने के लिए लड़ाई सभी को एक साथ आना चाहिए। सिर्फ 4 लोग देश चला रहे, 2 देश बेच रहे, 2 इसे खरीद रहे और 4 गुजराती है। पटोल ने कहा कि भाजपा की विचारधारा समुदायों को बांटने और शासन करने की है, जो पिछले 8 वर्षों से केंद्र में सत्ता में काबिज है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।